धनबाद के पार्क मार्केट में जाम की समस्या, ट्रैफिक की समस्या दिनों दिन विकराल होती जा रही है, जिससे ना सिर्फ दुकानदार बल्कि ग्राहक भी परेशान हो जाते हैं। स्थिति ऐसी होती है कि अगर कोई बड़ी गाड़ी बाजार में आ जाती है, रोड पर निकल जाती है, तो जाम लगना तय है। हालांकि आपको बता दें कि हीरापुर पार्क मार्केट का ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर काफ़ी पुराना एक पार्क हुआ करता था जो कि काफ़ी चहल पहल भरा रहता था। हालांकि बाद में ये पार्क बंद हो गया और इसे पार्किंग स्थल बना दिया गया। हीरापुर के कई ऐसे दुकानदार हैं जो अपनी गाड़ी की पार्किंग यहीं करते हैं और साथ ही साथ जो कस्टमर्स आते हैं वो भी अपनी गाड़ियाँ वहीं लगाते हैं। लेकिन निगम की ओर से एक फैसला लिया गया है कि अब वापस से वो इस क्षेत्र को पार्क में तब्दील करेंगे। एक अच्छा इनिशिएटिव निगम की ओर से लिया गया है, लेकिन आपको बता दें कि इस इनिशिएटिव के बाद, इस फैसले के बाद से पार्किंग को लेकर एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया है। मैं इस वक्त उसी शिलापट के पास मौजूद हूँ, जब इस पार्क का जीर्णोद्धार हुआ था तो ये शिलापट लगा हुआ था। हालाँकि आज ये पूरी तरीके से मिट चुका है, कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा। पार्क बनने का जो फैसला लिया गया है वाकई में काफ़ी अच्छा फैसला लिया गया। इस बारे में हम हीरापुर के जो दुकानदार हैं, जो चैम्बर के लोग हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये फैसला जो लिया गया है उसका कितना फ़ायदा या कितना नुकसान उन लोगों तक पहुंचेगा। पार्क बनाए, पार्क बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं पार्किंग का व्यवस्था बहुत ज़रूरी है कि 400 दुकानें नगर निगम की है, उसको तो पार्किंग को व्यवस्था करना ही पड़ेगा, क्योंकि 400 का आप दुकान से आप पैसे ले रहे हैं, भाड़ा ले रहे हैं, कोई मेंटेन भी नहीं है, कोई मेंटेन चार्ज भी नहीं दे रहे हैं, सभी दुकानदार अपने अपने में मेंटेन कर रही है, तो पार्किंग का व्यवस्था करना ही पड़ेगा। हम नगर साहब से मिलेंगे, उनको नगर आयुक्त साहब को बोलेंगे कि भाई पार्किंग व्यवस्था करना पड़ेगा आपको, पार्क बनाइए, कोई बात नहीं है, दिक्कत है, पार्क बहुत ज़रूरी है। पार्क बनाने के लिए आदमी मॉर्निंग वॉक करेगा, बहुत आदमी बच्चे लोग खेलेंगे कूदेंगे, और पार्किंग का व्यवस्था ज़रूर करना चाहिए। कि पार्क रहेगा तो पार्किंग की व्यवस्था नहीं कीजिएगा तो पार्क कैसे घूमने कोई आएगा। आप इतने खर्च करने जा रहे हैं पार्क में, आप पार्किंग का व्यवस्था नहीं कीजिएगा तो पार्किंग का बढ़ेगी, वो भी एक समस्या है। निगम का पार्क है, अब बहुत दिनों से पार्क था, बीच में पार्क बंद हो गया था, फिर अगले साल पार्किंग का अलाउड कर दिया गया था। लेकिन अगर नगर निगम अगर पार्किंग पार्क बना रही है तो चैम्बर और पूरे दुकानदार उसको तन मन धन से उसको सपोर्ट करेगा। बहुत अच्छा काम है कि पार्क बनना चाहिए शहर के बीचों बीच, कि आदमी घूमे फिरे, स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया है, उसके लिए हम लोग स्वागत के लिए गए। लेकिन पार्क मार्केट में कम से कम 600-700 दुकानें हैं, उस नगर निगम को पार्किंग के लिए भी सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से पार्किंग नगर निगम की भी अपनी दुकानें हैं, 400 दुकानें उनके भी, उनका भी भाड़ा वो लेते हैं, और अदर दुकान है कम से कम 400 से 500, टोटल 700-800 दुकान, उसको ध्यान में रखते हुए नगर निगम को पार्क बनाए। लेकिन मेरे ख्याल से अंडरग्राउंड अगर पार्किंग बड़े शहरों के जैसे अंडरग्राउंड पार्किंग बना दिया जाए तो अंडरग्राउंड में व्यापारी भी गाड़ी लगाएंगे, ग्राहक भी गाड़ी लगाएंगे, उसके ऊपर पार्क बनाए, दोनों चीज़ चलेगा। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि पार्किंग भी होना चाहिए और पार्क भी रहे, और पार्क बने तो हम लोग उसका स्वागत करते हैं। लेकिन पार्किंग नहीं होने से कम 700 से 800 दुकानदार प्रभावित होंगे। 800 दुकानों के साथ एक दुकान में दो स्टाफ है तो कम से कम समझिए 2000 आदमी बेरोजगार होंगे, ग्राहक को असुविधा होगी, चारों तरफ से अस्त व्यस्त होगी। इसीलिए नगर आयुक्त से चाहे जो भी DPR तैयार करे, सरकार से मेरा आग्रह रहेगा कि पार्क बनाइए, लेकिन पार्किंग को नज़रअंदाज न करें, पार्किंग की व्यवस्था दे ताकि व्यापारी अपना व्यापार बढ़िया से कर सके, ग्राहक अपनी गाड़ी को सुरक्षित रखे, खुले मन से व्यापार कर सके, यह मांग है मेरी। ये परेशानी तो बहुत होंगे मैडम, जहाँ तक है पार्क बनाने का, पार्क बनाए, जो कचरा डंप है उसको, वो तो कोई वेस्ट है, उसमें पार्किंग की सुविधा दिया जाए, क्योंकि नगर निगम का ये दुकान है, हम लोग का नगर निगम का है, उन्हीं को सोचना होगा, इनका भाड़ा भी मिल रहा है। अब बहुत पुराना है, धनबाद का सबसे बड़ा पार्क मार्केट है, तो यहाँ के बारे में तो नगर निगम को सोचना ही होगा, हम लोग को सुविधा कचरा डंप में दिया जाए पार्किंग के लिए, यही मेरा कहना है। इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये क्षेत्र ही पार्क मार्केट है, और यहाँ पर पार्क हुआ करता था, लेकिन फिलहाल ये पार्किंग स्थल में तब्दील हो गया। आपको मैं कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगी कि आप देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर काफ़ी संख्या में गाड़ियाँ लगी हुई हैं। निगम का ये पार्किंग क्षेत्र बन गया है और बाज़ार में जितने भी व्यवसायी हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो अपनी गाड़ियाँ यहीं लगाते हैं। इस मामले पर हमने आज जो व्यवसायियों से बातचीत की, जो चैम्बर के लोग हैं, उन लोगों से बातचीत की, तो उन लोगों ने बताया कि काफ़ी अच्छा ये इनिशिएटिव लिया गया है निगम की ओर से कि एक बार वापस से पार्क का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। ऐसे में लोगों की संख्या बढ़ेगी, फुटफॉलिंग होगी,
भी लोग टहलने को निकलेंगे, लेकिन अगर पार्किंग एरिया यहाँ से हट जाती है तो एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि पार्क बनने के बाद पार्क में भी आने वाले लोगों की जो संख्या है वो बढ़ेगी, कस्टमर्स जो आते हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी। तो ऐसे में पार्किंग की कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। इन लोगों ने बताया कि निगम की जो एक डंपिंग एरिया है, वेस्टेज डंपिंग एरिया, यहाँ से ठीक 10 कदम की दूरी पर, उसको वहाँ से हटाकर या तो पार्किंग एरिया बना दिया जाए या पार्क को वहाँ पर शिफ्ट करके इस क्षेत्र को पूरी तरीके से पार्किंग एरिया बना दिया जाए। हालांकि ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि निगम की ओर से क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि पार्क के फैसले को लेकर धनबाद के जितने भी लोग हैं उनमें काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है, तो वहीं पार्किंग की समस्या को लेकर थोड़ी एक प्रश्न यहाँ पर उठ रहा है। अब देखते हैं कि कैसे इसका निजात होता है और कब तक ये पार्क बनकर तैयार होता है और धनबाद वासियों को एक और सौगात मिलता है निगम की ओर से। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शाम्भवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।